हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पाल वर्ल्ड के सेकंड एपिसोड में। गाइस, फर्स्ट एपिसोड में मैंने छोटा सा बेस बना लिया था, 10-12 पाल्स भी पकड़ लिए थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट गाइस, लास्ट में हमारी लाइफ में एंट्री हुई नाइट विंग्स की, और गाइस नाइट विंग्स के साथ में हमारा 3 बार बैटल हुआ और हम लोग बहुत ही अच्छा बैटल कर रहे थे, बहुत ही अच्छी फाइट कर रहे थे। बट गाइस, तीनों ही बार नाइट विंग्स हमारे से जीत गया। तो गाइस, आज मेरा टारगेट है, सबसे पहले मैं नाइट विंग्स को हराने वाला हूँ। और राइट साइड में ट्यूटोरियल के नीचे आप लोग पढ़ोगे तो उसके अंदर आज मेरी बॉस के साथ में भी फाइट होने वाली है, वैसा भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे हो चुका है मेरे ख्याल से रेड, क्योंकि यहाँ पे ये जो डेंजर आ रहा है, हाँ रेड हो चुकी है भाई यहाँ पे, तो देखना पड़ेगा कि कौन आ रहा है। अच्छा, ये लोग आ रहे हैं, एक सेकंड में इसको पहले मार के गिरा दूँ। ओ तेरी, मिस हो गया। भाई हमारे बेस पे आके हमारे से रेड कर लेते हैं लोग। यार मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ या फिर खेलता रहता हूँ ऑफलाइन ना, तभी भी ये लोग रेड करते रहते कंटिन्यूस। और ये भाई, ये तेरी तो ख़त्म। अब गाइस, आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि मैंने ऑफलाइन में क्या बनाया। यहाँ पे मेरा बेस देखो आप लोग। अब ये जो घर मैंने बनाया भाई, ये बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल मुझे लगता है। यहाँ से सीढ़ियाँ गई हैं और ऊपर जाके ये रहा मेरा बेड। और यहाँ से व्यू अगर देखेंगे तो ये वाटरफॉल का व्यू आता है, बहुत ही अच्छा व्यू लगता है। और ये जो घर मैंने बनाया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर सब लोग जो है वो हंगर हो गए, भूख लगी है भाई सभी लोगों को। तो यहाँ से ये लोग चेरी, मुझे यहाँ पर एक प्लांट बनाना पड़ेगा चेरी का, जो चेरी यहाँ पे उगे फार्म हो यहाँ पर। ये दोनों मैंने बना दिया है, मतलब कि ये स्टोन का फार्म और ये वुड का फार्म मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो ठीक है, वो चेरी वाला भी जो है हम लोग जल्दी से बना देंगे। पहले चलते हैं नाइट विंग्स के साथ में फाइट करते हैं, उसके बाद में यहाँ पे बेस का काम करेंगे। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि आज बॉस फाइट भी होने वाली है। और आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये देखो मैंने ये ग्लाइडर भी बना दिया है। ऑफलाइन में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है भाई, और अभी जो ऑफलाइन में मैंने काम किया हुआ है ना, वो सब अभी आप लोगों को दिखने वाला है। बस मुझे ये नाइट विंग्स दिखना चाहिए। ओ भाई, बोलते ही दिख गया, वो रहा सामने नाइट विंग्स। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से ही पंगा लिया जाए भाई इसके साथ में, और यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ अपना पॉकीमॉन। मैंने छोड़ तो दिया है, नीचे की तरफ गया है भाई। आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसके साथ में फाइट नहीं करूँगा। अरे यार, ये किससे फाइट कर रहा है? इससे फाइट करना है, इससे फाइट करना है, इससे नाइट विंग के साथ में फाइट करना है भाई। उन लोगों के साथ में फाइट करके क्या ही कर लेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये पकड़ा जाना चाहिए। अब लगा नहीं, हो जा 60% हो गया, 60% हो गया भाई। 60 60 60 81 81 81 90 99 100। भाई साहब खतरनाक, फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही मैंने नाइट विंग्स को पकड़ लिया। वो इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो मेरा पॉकीमॉन है, ये जो पाल है मेरा फॉक्स भाई, मैंने इसको अपग्रेड कर दिया है नेक्स्ट लेवल पे। तो तू अंदर आ जा, अब इसको चेक करते हैं, जो मैंने अभी पकड़ा है ना उसको चेक करते हैं कि वो कैसा पॉकीमॉन है। भाई किधर गया, आया कि नहीं आया? वो आया तो था। ऑलराइट गाइस, तो मैं दोबारा से अपने बेस पे आ गया हूँ क्योंकि मुझे पाल बॉक्स के अंदर चेक करना है नाइट विंग्स यहाँ तो नहीं आया। ओ भाई साहब खतरनाक, नाइट विंग्स यहाँ पर है। एक्चुअली मैंने ये पार्टी जो है वो फुल करके रखा हुआ था, इस वजह से मुझे वहाँ पे नाइट विंग्स नहीं दिख रहा था। अब मैं आप लोगों को नाइट विंग्स दिखाता हूँ। ये रहे नाइट विंग्स, खतरनाक भाई। और मैं इसको ऊपर बैठ के सवारी भी ले सकता हूँ। बट गाइस यार, उसके लिए मुझे कुछ अनलॉक करना पड़ेगा, और अनलॉक करने के बाद में कैविटा एट ब्रेरिस, अच्छा ओके ठीक है। और अनलॉक करने के बाद में मैं इसके ऊपर बैठ के एक्सप्लोर कर सकता हूँ पूरा वर्ल्ड। अब चलते हैं भाई बॉस से फाइट करने के लिए। बट गाइस यार, बॉस से फाइट करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक डियर भी मार लेते हैं, क्योंकि डियर भी जो है वो भी बहुत ही तगड़ा पॉकीमॉन है, बहुत ही तगड़ा पाल्स है। तो उससे भी फाइट लेते हैं और उसको भी कैप्चर कर लेते हैं। मैं सोचा नहीं था कि गेम के मतलब आज स्टार्ट में ही 1 मिनट के अंदर अंदर मैं इसे पकड़ लूँगा। तो भाई तू अंदर आ जा, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इसको पकड़ के। एक और वहाँ पे फॉक्स घूम रहा है, बट अभी मुझे फॉक्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार मेरे पास में नाइट विंग्स है और उसका लेवल मुझे लगता है कि 10-12 तो लेवल हो गए। मैं चेक कर लेता हूँ कि कितने का लेवल है। तो भाई 8 के लेवल का नाइट विंग से भाई मजा आ जाएगा भाई, खतरनाक। ऑलराइट गाइस, मैं जा रहा था यहाँ से और मैंने देखा मेमोरेश, तो मैं सोच रहा हूँ कि इससे भी फाइट ले लिया जाए क्या। नहीं यार, मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में नाइट विंग्स है, उसका 8 का लेवल है और इसका है 38 का, भाई 30 का फर्क है। तो इसको भाई अभी फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं और ढूंढते हैं डियर को, और डियर मिलने के बाद में सीधा जाएंगे बॉस फाइट के लिए। भाई गाइस, मैं काफ़ी टाइम से डियर को ढूंढ रहा हूँ बट मुझे डियर मिल रहा नहीं है। लास्ट टाइम मैं जब यहाँ पर आया था तो मुझे 2-3 डियर दिखे थे, तो हो सकता है कि यहाँ पे फिर से मुझे डियर का मुकाबला हो और डियर मुझे देखने को मिले। अगर डियर देखने को मिल गया तो भाई एक खतरनाक बैटल होने वाला है, क्योंकि डियर का जो लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। ये भाई, ये कुछ अलग ही लिख रहा है कैटिवा, ये मुझे थोड़ा सा अलग दिख रहा है, तो इसको पकड़ लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि पकड़ ही लेते हैं इसको, कुछ अलग ही कैटिवा दिख रहा है भाई ये।
मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद से पकड़ लूँ इसको, मैं पॉकीमॉन अपना इस्तेमाल नहीं करूँ, बट यार करना ही पड़ेगा यार, मुझे लग रहा है कि ये मार ना दे मेरा जो अच्छा मैंने उसको हाँ अरे मर गया भाई, वो मर गया। आजा कैद हो जा, कैप्चर हो जा। 61% रेट हो गया है, 80, 82, 90, 100 हो गया भाई। तो एक और मेरे पास में आ गया, वो सीधा पाल बॉक्स में जाएगा, फिलहाल मुझे यहाँ पे दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने पहले से ही सब पूरा भर के रखा हुआ है यहाँ पे। मुझे इसे बाहर वहाँ पे ही छोड़ के आना चाहिए था, पाल बॉक्स में छोड़ के आना चाहिए था। एक्चुअली इसका लेवल 9 हो गया है, लेवल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मेरा लेवल बढ़ रहा है, मेरा लेवल बढ़ते रहेगा मतलब रॉकी भाई का लेवल बढ़ते रहेगा तो बाकी मेरे पाल्स का भी लेवल बढ़ते रहेगा भाई। तो गाइस यहाँ पे मैं आ गया हूँ और यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम देखा था वाटर पावर, मतलब वाटर का पावर था उन लोगों के पास में, और यहाँ पे कुछ ऐसे पाल्स थे वो खतरनाक दिख रहे थे मुझे भाई। तो मैं इसको देख लेता हूँ कि क्या है, पकड़ लेते भाई इसको, मैं तो सोच रहा हूँ कि पकड़ लेते। ओ भाई खतरनाक, मजा आ जाएगा भाई, अपने बेस के ऊपर मजा आ जाएगा, बेस के ऊपर बहुत ज्यादा काम करेगा ये। तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ इसको पकड़ने की। हाँ मेरा यार पाल स्पीयर खराब कर देगा ये, मुझे लग रहा है 3-4 पाल स्पीयर मेरा खराब हो गया और मेरी हेल्थ भी जा चुकी है, नहीं मेरी हेल्थ है ठीक है 3-4। यार ये बाहर आएगा तो मजा आएगी, बट यार ये बाहर ही नहीं आ रहा है, मेरा पाल स्पीयर खाली पकड़ खराब कर रहा है। हाँ कैप्चर हो जा, हो गया भाई कैप्चर तो हो गया, मुझे लग रहा है कि कैप्चर हो गया। हाँ टीफंट है भाई ये, तो ये हमारे बेस के ऊपर काम आएगा, वो जो पानी वगैरह देने का काम रहता है ना ये बहुत अच्छे से कर लेगा। तो ठीक है उसको अपना काम करने देते, वो फाइट कर रहा है, एक और मुझे पाल दिख गया भाई, इससे भी फाइट किया जाए। तो निकल भाई तू फाइट कर, और अगर ये जिसकी हेल्थ अगर कम होती है, पहले मैंने इसको कमांड दिया है कि अच्छा दिया हुआ है कमांड, ओके ऑलराइट। अरे भाई इसको डाउन ही कर दिया यार इसने, शिट यार ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है सच में। अब इसके ऊपर बैठ के जब हम लोग करेंगे ना, जब यहाँ पे घूमेंगे ना तब मजा आएगा। तो मैंने चेंज क्यों कर दिया, मैं दोबारा से उसको ही ले लेता हूँ। हाँ ये ठीक है, अब चलते हैं भाई बॉस फाइट के लिए। बट वहाँ पे मुझे दो दो और दिख रहे हैं वही सेम पाल्स, तो उसको भी मैं पकड़ लूँगा, और जो मेरा ऑब्जेक्टिव है 30 पाल्स पकड़ने का वो भी जो है वो भी बढ़ रही है। कैलेरा नाम है इसका, तो ठीक है कैलेरा को पकड़ते हैं। ओ भाई खतरनाक आवाज आई यार बाजू से, ये क्या है, सीधा फायर कर रहा है भाई, सीधा फायर कर रहा है। ले मेरे इससे फाइट कर, मेरे पॉकीमॉन से फाइट कर। ये भाई ये तो बहुत ही खतरनाक है यार, तो ये नहीं, अरे मार मत यार, मार दिया इसने। एक काम कर तू वापिस आ जा, इसको पकड़ तो लेंगे अब। 70% हो गया, 70%। अरे भाई खतरनाक यार, वे वेस्ट कर रहा है वेस्ट कर दिया एक। 70% हो गया है, आजा। अगर नहीं आएगा तो इस बार मार के लूंगा। चलो 100% हो गया। अब ये सब पाल बॉक्स के अंदर मुझे दिखने वाले, कि ये जो जितने भी मैं न्यू वाले कैप्चर कर रहा हूँ ना, वो सब पाल बॉक्स के अंदर दिखने वाले। और मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ 9 पाल स्पीयर बचा है, और मुझे ये दोनों भी पकड़ के लेके जाना है। मुझे एक और यहाँ पे पिकाचू दिख गया भाई, पिकाचू दिख गया, स्पार्किट दिख गया भाई, स्पार्किट भी पकड़ेंगे। पहले इसको पकड़ते उसके बाद में पिकाचू को पकड़ेंगे। अरे तेरी तो मिस हो गया, ओ तेरी, बहुत बड़ा ही मैंने यहाँ पे अपना पाल छोड़ दिया। मैं मुझे लग रहा है कि ये मार ही देगा, मैंने ट्राई तो किया था बट यार इसने दोनों को ही मार दिया। शिट इसने दोनों को ही मार दिया यार, शिट। पिकाचू को मैंने देखा है वहां पे, यहाँ पे ग्रीन कलर का जो ये है ना, पहले ये ले लेते हैं, उसके बाद में पिकाचू को पकड़ने जाएंगे। पिकअप कहाँ गए, वो रहे, पकड़ो भाई, पकड़ो जल्दी, पकड़ो उन लोग को, पिकाचू है भाई वो। तो यहाँ पर मुझे एक चेस्ट भी दिख रहा है, ये चेस्ट भी लेंगे और वो दोनों को भी पकड़ के लेके जाएंगे, दोनों को ही पकड़ लेंगे क्योंकि काम ही आएंगे भाई बेस के ऊपर अपने। और मैं सोच रहा हूँ ना इसके लिए मैं कोई दूसरा पाल पकड़ूँ, हाँ ये ठीक रहेगा, हाँ इससे फाइट कराएंगे भाई, वो यार वो बहुत जल्दी मार देता है। अबे मारना नहीं था बे गधे, मारना नहीं था, तू अंदर आ, अंदर आ। एक दो मिले थे अच्छा खासा पिकाचू, बट यार एक को मेरे पाल ने मार दिया, बट कोई बात नहीं, एक तो पकड़ लेंगे हम लोग, 100% हो ही जाएगा भाई। 76% रेट है, कैप्चर रेट 76, 89 हो जा, 100 हो जा, हो गया भाई खतरनाक,
मजा आ गया भाई, इधर पे आने का एक वसूल हो गया भाई, इधर आना वसूल हो गया, सच में वसूल हो गया। तो मैंने वो हाथी को पकड़ लिया, छोटे हाथी को, दो पिकाचू थे बट एक ही पिकाचू पकड़े गया, और एक भाई जंगली वाइल्ड एक और पिकाचू दिख गया मुझे वहाँ पे। अपनी हेल्थ थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। नहीं यार ये पिकाचू नहीं है, कुछ अलग ही है, विक्सी नाम है इसका, बट इसको भी पकड़ ही लेंगे भाई क्योंकि ये भी काम ही आने वाला है अपने बेस के ऊपर। अभी इसको लग रहा क्यों नहीं है मेरे पास में 25 तो अभी भी है ये। अबे क्या मिस क्यों हो रहा है, अच्छा लगा तो सही। अबे बस्कर इधर आ जा तू, बस फिर से मार दिया यार। ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक नहीं हो गया जब से इसका लेवल मैंने अपग्रेड किया है, जब से मैंने पाल्स अपने इन्हेंस किए, ये लोग कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो गए, सीधा मारे देते हैं यार। अच्छा खासा था, लेदर मिल रहा था, बोन भी मिला, लेदर भी मिला, बट यार गाइस वो पाल मेरे को चाहिए था, वहाँ पे काम आता था। कैविटा इज लैकिंग ऑफ भाई, वो जो वहाँ पे मेरा जो बेस है वहाँ पे कैविटा की हालत ख़राब हो रही, तो वहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा, जाके देखना पड़ेगा, और जो भी मैंने पाल्स को कैप्चर किया है अभी उनके पावर देखना पड़ेगा, और उसके बाद में आएंगे हम लोग बॉस फाइट करने के लिए। एंड गाइस यहाँ पे मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे एक गुफा दिख रही है, बट मैं इस गुफा के अंदर अभी फ़िलहाल नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि मेरा पूरा पूरा का पूरा ध्यान है उस बॉस फाइट के ऊपर, और वो बॉस को मुझे हराना है भाई। सिंडिकेट टावर पे जाना है मुझे, और रैन उसका नाम है, वो बॉस का नाम है रैन, और सिंडिकेट टावर पे मिलेगा वो। सिंडिकेट टावर कहाँ पर है, यहाँ पे मुझे दिख रहा था ब्लू कलर का टावर है, वहाँ पे जाके मुझे उससे फाइट लेना होगा। और अब मैं बहुत ही जल्दी पहुँच जाऊँगा क्योंकि मुझे वहाँ पे दिख गया है फास्ट ट्रैवल, फास्ट ट्रैवल से डायरेक्ट हम लोग ट्रैवल करेंगे अपने बेस के ऊपर। ऑल राइट गाइस, तो मैं दोबारा से अपने बेस के ऊपर आ गया हूँ, अब मुझे देखना है कि जो मैंने पाल्स पकड़े हैं वो कैसे है भाई। और ये रहा वो पाल्स भाई, मुझे इसका पावर देखना है पहले। पावर तो फिलहाल अभी देखने को नहीं मिलेगा, बट मैं इसको कम करता हूँ, इसे भी कम करता हूँ, एक इसको ले लेते हैं, और इसका नाम क्या है वैसे, अरे भाई रोशर नाम है इसका, और इसका नाम है स्पार्किट। स्पार्किट में अपन इसको पिकाचू ही बोलेंगे, ये भी बहुत तगड़ा है। वैसे मैं इसको चेंज करने वाला था बट मैं सोच रहा हूँ कि अभी इसको क्या ही चेंज करें। इसको बाहर निकालते हैं, इस वाले को और इस वाले को अंदर रखते क्योंकि ये टायर्ड हो गया है, मुझे मैसेज आ रहा था, मतलब मैं नोटिफिकेशन में देख रहा था, तो इसको बाहर निकाला और मैंने एक न्यू को रख लिया। और मैं सोच रहा हूँ कि इससे भी मैं बाहर निकालता हूँ, और ये जो ये वाला है टिफेंट, इसको हम लोग बाहर रखते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़े से पानी वगैरह के भी काम होने वाले हैं, तो वो हम लोग इससे करवा लेंगे। वो पानी देगा भाई जाके सीधा यहाँ पर जाके सीधा पानी देने वाला है। अब चलते हैं बॉस फाइट के लिए, और बीच में अगर डियर मिला तो डियर को भी मार गिराएंगे। ऑल राइट गाइस, तो मैं डियर और उस बॉस से फाइट करने के लिए निकल ही रहा था, और वो सामने जो टावर है मुझे लग रहा है कि मुझे उसी टावर पे जाना है फाइट करने के लिए। बट गाइस मैंने यहाँ पे टाइम देखा, और टाइम मैं देख रहा हूँ कि रात होने वाली है थोड़ी देर में, तो मैं पहले जाके सो जाता हूँ और सुबह होने का वेट करता हूँ। और मैंने यहाँ पे एक लंबॉल को काम पे लगाया है मेरे एरो बनाने के लिए, तो भाई ये जल्दी से बना लेगा, जब तक मैं जाके सोता हूँ और सो के उठ कर आऊँगा, लेके निकलेंगे हम लोग फिर चलेंगे फाइट करने। ऑल राइट गाइस, तो मेरा रॉकी भाई उठ गया है पूरी नींद कंप्लीट करके। मैं जाके देख लेता हूँ कि लंबॉल को जो मैंने काम दिया था वो कंप्लीट किया है कि नहीं। भाई रात भर बना रहा था क्या तू, अभी तक का कंप्लीट नहीं हुआ। 33 मैंने बनाने दिया था, 18 इसने बना के रखा, चलो ठीक है 15 और जब तक बनाता है ये, तब तक यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर लेता हूँ कि वो जो मैंने हाथी लेकर आया था ना छोटा सा, वो काम क्या कर रहा है भाई। ये मुझे लग रहा है कि कोई काम का नहीं है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है ये। ऑल राइट गाइस, काफ़ी टाइम भागने के बाद में रैन सिंडिकेट टावर अब यहाँ पर आ गया, यहाँ पे होने वाली है बॉस फाइट। उसके पहले मैं यहाँ पे अपना फास्ट ट्रैवल ऑन कर देता हूँ क्योंकि भाई बॉस फाइट के अंदर कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर मैं मर गया तो मुझे इससे दोबारा से फाइट करना होगा, और फाइट करने के लिए मुझे दोबारा से इतना दूर भाग के आना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि फास्ट ट्रैवल ऑन करो और चलो अब फाइट हो। ये भाई कहाँ है यार मगर बॉस कहाँ है, मुझे बॉस से मिलना है। कहाँ गया बॉस, इसके अंदर जाना पड़ेगा क्या, मुझे देखना है बॉस किधर है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो F प्रेस करते ही बॉस बैटल हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, तो प्रेस करते हैं F। ऑल राइट गाइस, अभी थोड़ी ही देर में बॉस फाइट होने वाली है, और ये फर्स्ट बॉस फाइट है मेरी, फर्स्ट टाइम मैं बॉस से फाइट करने जा रहा हूं पाल वर्ल्ड गेम के अंदर। ओ भाई खतरनाक बॉस लग रही है यार, ये तो कुछ ज्यादा ही जबरदस्त बॉस है भाई। कर रहा है अच्छा, पाल स्पेयर दे रही है मुझे, इसके पास भी पॉकीमोन है और खतरनाक वाला पॉकीमोन है भाई, ये तो बड़ा वाला पिकाचू है। चलो अपना भी पिकाचू निकाला जाए भाई, अपने पास भी पिकाचू है बट थोड़ा सा छोटा है, ग्रिसबोल्ट। ओ तेरी तो ये ले। ओ भाई
भाई ये सेम पावर ही है इसके पास भी, मेरे पिकाचू के पास भी सेम पावर है, बट यार गाइज इसका पावर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है मुझे। ये तो मेरे पीछे क्यों लग रहा है, मेरे बाल से लड़ना भाई, अभी क्या ही कर रहा है ये, मुझे लगता नहीं है कि मुझे ज्यादा देर तक रहने देगा। मेरी स्ट्रेंथ खत्म हो रही है, मैं जितना छुप छुप के फाइट करना चाहूंगा उतना ही अच्छा रहेगा भाई। वे मिस हो गया, वो भी फायर वाला मिस हुआ। शिट। आ इधर से निकल, ये ले मोटे। ओ शिट भाई मेरी हेल्थ फुल ऑन, डाई कर दिया, मेरी शील्ड गई भाई। मैं फाइट नहीं करने वाला अभी इससे, मेरा पॉकीमॉन ही फाइट करेगा भाई। मेरे पॉकीमॉन की भी जो है थोड़ी बहुत हालत डाउन हो चुकी है, मैं चेंज करने वाला पॉकीमॉन, इसके साथ में इसको ही लगा दिया भाई। खतरनाक वाला फाइट किया मेरे पॉकीमॉन ने। बट यार गाइस अभी ये क्या एम लगा के मार रहा है, एम लगा के मार तो रहा था उसने भाई। ये मुझे नहीं लगता है कि ये छोटा वाला पॉकीमॉन ज्यादा देर तक का रह पाएगा भाई। छोटे पिकाचू के सामने बड़ा पिकाचू फाइट कर रहा है, बहुत ही जबरदस्त 10 मिनट की फाइट है भाई ये, और उसके पास में है 30,000 हेल्थ। अबे भाई क्या कर रहा है यार, करंट दे दिया इसने मुझे। यार मेरा पॉकीमॉन क्या कर रहा है, स्पार्किट भाई मार उसको। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर गन लाना चाहिए था भाई, इतना पहला बॉस इतना खतरनाक है यार, मुझे लगा नहीं था कि इतना खतरनाक बॉस होगा। तो मेरा जो फायर वाला बो था वो खत्म हो गया भाई, फायर वाली एरो खत्म हो गई मेरी। मुझे लग रहा है कि मुझे पॉकीमॉन चेंज करना पड़ेगा, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन रहा था, तो इससे ही फाइट कराते भाई इसकी। मैंने भेजा तो है अपना छोटा सा पॉकीमॉन, बस मुझे लगता नहीं कि ये कुछ कर पाएगा भाई। हेल्थ भी नहीं कम किया भाई थोड़ी भी इसने, और डेंजर में भी आ गया। तू वापिस आ जा, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ पे टिक पाऊंगा भाई। मेरा सबसे खतरनाक वाला पॉकीमॉन मैंने भेजा तो है भाई, बस देखते हैं क्या करता है। बहुत ही खतरनाक हंसी हंस रहा है यार ये पॉकीमॉन, ये पिकाचू बड़ा सा पिकाचू बहुत ही खतरनाक हंसी हंस रहा है। वो भी डेंजर में आ गया। ए शिट, मुझे लग रहा है कि मेरे यहाँ पे सब पॉकीमॉन मरने वाले हैं और इसका कुछ भी नहीं होगा। 25,000 हेल्थ बची है अभी भी इसकी। मैंने हल्के में ले लिया भाई इसको, मैं यहाँ पे सोचा कि हल्का सा कोई पॉकीमॉन होगा, बट यार ये बड़ा सा पिकाचू है मेरा भाई मार दिया इसने, मेरा मार दिया। एक और को मैं फेंकता हूँ, ये तो फायर वाला लेके जाएगा भाई। जंगली पीक है, हाँ बच गया। बहुत ही खतरनाक डॉज दोबारा से। ये भी डेंजर में आ गया क्या भाई? नहीं, ये तो ठीक है अभी। मैं ना जल्दी से कुछ खा लेता हूं वरना। ठीक है चलो बढ़िया। भाई दोबारा से करंट दे दिया और एक ही बार करंट दिया और इसने मेरी पूरी हेल्थ ले लिया भाई, इसने मेरी पूरी हेल्थ ले लिया है। इसको मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है यार, 6,000 अभी इसकी हेल्थ गई है और मेरे 3-4 पॉकीमॉन इसने मार के खत्म कर दिया भाई। खतरनाक पॉकीमॉन है यार, इसको दोबारा से भेजते हैं। मैंने पिकाचू को वापिस से दोबारा से भेजा यार, बट यार ये गाइस इतना कुछ कर नहीं पा रहा है, कितना कुछ बड़ा वाला पॉकीमॉन लाना पड़ेगा मुझे इससे, ये लग रहा है। इसके कुछ भी हेल्थ नहीं जा रही है भाई, इससे मैं मार के भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। इसका मेरी हेल्थ पूरी डाउन कर दिया इसने, मेरी शील्ड दोबारा से इसने पूरा। अरे भाई ये क्या मार रहा है भाई, स्नाइपर लेके मार रहा है ये, स्नाइपर रख के मार रहा है यार ये तो। अरे यार भाई इसको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है भाई इसको हराना। क्या खतरनाक हंसी हंस रहा है यार ये। तो मेरा पॉकीमॉन है कि नहीं, जिंदा है कि नहीं, जिंदा तो है बट यार कुछ काम का नहीं है मुझे लग रहा है यार, मेरे पीछे ही लग गया यार ये तो। 6,000 हेल्थ तो मैंने इसकी डाउन कर दिया है, बट यार गाइस इसके हेल्थ है। दोबारा से इसने फेंका तो था करंट, बच गया मैं। भाई इसको मारने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला मुझे लग रहा है, इस वाले को भेजता हूँ मैं। ये थोड़ा सा ना खतरनाक सा फाइट करता है भाई, ये जो मैंने पिकाचू फेंका था उससे तो अच्छी फाइट करता है ये मुझे लग रहा है भाई। खत्म नहीं हो जाना, डर गया भाई ये, खत्म हो गया।
ओ आइस बना दिया भाई, इतना सा पॉकीमॉन मेरा, इतने बड़े पॉकीमॉन को आइस बना दिया, जबरदस्त भाई। मार 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 उसको, मार मार उसको, फाइट कर, खत्म कर इसको भाई। मेरी हेल्थ भी जा रही है जल्दी जल्दी और मेरा स्टैमिना भी खत्म हुए जा रहा है। बच गया भाई उसके करंट से, मैं बच तो गया हूँ गाइस। यार मेरे नहीं नहीं अभी जिंदा ही है ये, जिंदा ही है। मुझे लगा कि मर गया बट जिंदा था अभी तक ये, बट अब मुझे लग रहा है कि ये मर गया है। तो ये सिर्फ एक लास्ट पॉकीमॉन मेरे पास में बचा, अगर ये भी मर जाएगा तो फिर मैं भाई मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। इसका जो वार है ना, वार भी इसका यार भाई मुझे फॉलो करता है। मैंने अभी थोड़ा ध्यान दिया, इसका जो अटैक है ना, अटैक भी मुझे फॉलो करता है। और तीन मिनट सिर्फ बचा, अगर तीन मिनट तक का मैं इसको नहीं मार पाया तीन मिनट के अंदर अंदर, तो क्या ये, अबे ऊपर एक लड़की बैठी है, मैंने इस पर तो ध्यान ही नहीं दिया। अगर मैं इसके ऊपर हमला करूँ तो इसकी हेल्थ ज़्यादा ज़्यादा जाएगी क्या? मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर हेल्थ अटैक करने से, वो लड़की के ऊपर अटैक करने से ना, जोई के ऊपर अटैक करने से मुझे लगता है कि इसकी हेल्थ ज़्यादा जाना चाहिए, है ना। मैं एक बार और अटैक करके देखता हूँ भाई। फाइट जब खत्म हो गई तब तो मैंने ध्यान दिया है कि इसके ऊपर लड़की बैठी हुई है भाई। 49 मेरी एरो भी खत्म हो गई। ले आग वाला एरो है मेरे पास में वैसे, बट मैं मौका देख के मारूंगा, वो चीज ऐसे ही नहीं मारूंगा, मैं सीधा लड़की के ऊपर ही अटैक करने वाला हूँ। मारा तो यार मैंने लड़की को, बट यार ये 22,000 तक का ही आया, 22,000 के नीचे नहीं जा रहा यार। ये आर्मर मेरा डैमेज है, सब कुछ मेरा डैमेज है भाई। इसको हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मैं नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि हारेगा। एक बार में तो हारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है भाई इसका। मर गया यार मैं, शिट। तो भाई अगर इसको हराना है तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला पास लाना पड़ेगा इसको हराने के लिए। ऑल राइट गाइस, तो मैं दोबारा से रीस्पॉन हो गया अपने बेस के ऊपर और उसने मेरी हालत क्या किया यार, उसने मुझे नंगा करके भेजा वहाँ से। देख रहे हो मेरी हालत भाई, वो बॉस था या क्या था भाई। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखा दूँ भाई, अब कुछ दिखाने के लिए नहीं है इसलिए दिखा रहा हूँ। एसटीजी हाउस मैंने यहाँ पे अपना नाम दिया था, स्टार्ट में दिखाना भूल गया, बट यार गाइस उसने मुझे वहाँ से नंगा करके भेजा यार। भाई उसने जो वाट लगाया ना मेरी, ख़त्म ही कर डाला यार मुझे एकदम। कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं भाई कि हम लोग जो है वापस से दोबारा से कपड़ा वगैरह हमारा कैसे आएगा और मेरे जो इतने भी पॉकीमॉन्स थे वो सब कैसे जिंदा हो गए। एक बार मैं यहाँ पे जाके देख लेता हूँ मेरे सब पॉकीमॉन्स। पॉकीमॉन्स तो है भाई यार यहाँ पर, बट यार गाइस क्या फाइट किया यार वो पिकाचू, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ही बड़ा पिकाचू था भाई यार, खत्म खतरनाक यार एकदम। तो गाइस वो जो ब्लू लाइन दिख रही है वहाँ पे जाने के बाद में जो भी मेरे पास में था वो सब मैं ले लूँगा, बट यार गाइस वहाँ पे जाने के लिए मुझे फास्ट ट्रैवल करना पड़ेगा। फास्ट ट्रैवल करने के लिए मैंने ऊपर अनलॉक किया, वहाँ पे जाके मैं फास्ट ट्रैवल करता हूँ और अपना जो भी सामान था वो सब लेकर आता हूँ फास्ट ट्रैवल करके दोबारा से इधर पे। गाइस मुझे ये पाल चाहिए था डैड ड्रीम, बट यार गाइस मुझे मिल रहा नहीं था सुबह से ये, जैसे ही मेरे पास से सब नंगा हो गया मैं वैसे ही वो मुझे मिला। ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग फास्ट ट्रैवल करके जाते हैं और जल्दी से वो सब लेकर आते हैं, अपना कपड़े वगैरह सब लेकर आते हैं, अपना वेपन्स लेकर आते हैं, शील्ड लेकर आते, जो भी था हमारे पास में वो सब लेकर आते, फिर उसके बाद में उससे डैड ड्रीम्स को पकड़ते हैं। ओके तो हाँ ये ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन के पास जाते ही मेरे पास में जो भी सामान था जो भी वेपन्स थे सब कुछ मुझे मिल जाएगा। तो ये रही भाई मेरी अस्थियाँ, रॉकी भाई की अस्थियाँ ये रही भाई। इतने जल्दी अब मैं फाइट इससे करने आने वाला नहीं हूँ, मैं पहले फुल ऑन रेडी हो जाऊँगा, खुद को फुल ऑन रेडी कर लूँगा। मेरे पास में बहुत सारे वेपन्स होंगे, एडवांस वेपन्स होंगे, तब मैं आऊँगा इसे फाइट करने के लिए, क्योंकि गाइज इसको हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है मुझे पता चल गया है। ऑल राइट गाइज यहाँ पे एक मुझे अलग सा पाल दिख रहा है तो मैं इसे सोच रहा हूँ कि पकड़ लेते, क्योंकि इसी को ही पकड़ सकते हैं फिलहाल भाई, क्योंकि यार वो जो बड़ा वाला पाल था उसने तो मेरी बैंड बजा दिया था। अबे क्या कर रहा है, अबे ये कैसा सा पाल है, यहाँ पे जा रहा है वो, क्या नाम है इसका पहले देख लूँ, क्रैमिस यहाँ पर जा रहा है और ये भाई ये अलग ही नशे में। तू वापिस आ, रिटर्न आ। मैं चेंज करता हूँ भाई, ज़्यादा बड़े वाले को नहीं भेजूंगा, अगर ज़्यादा बड़े वाले को भेजूंगा तो ये मार ही देगा उसको। तो पिकाचू जल्दी जा उसको मार यार, जल्दी मार उसको। अबे तेरी तो इसका भाई, इसका अटैक एकदम ज़बरदस्त है, यहाँ वहाँ चले जाता है, बट जो मेन विलन है उसको ही नहीं लगता है सिर्फ। अच्छा लगा, चलो ठीक है बढ़िया। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार इसको, मेरे पास में कोई भी वेपन नहीं, वरना मैं वेपन से ही मार देता इसको। ठीक है चलो इससे ही मार लेता हूँ और इससे मारने के बाद में इसको कैप्चर करके निकल जाएंगे भाई। हाँ चलो ठीक है, 76% हो जा जल्दी, 89, 99, 100, चलो ठीक है अपग्रेड तो हुए हम लोग, थोड़ा बहुत तो अपग्रेड हुए। सिर्फ और सिर्फ 8 पाल पकड़ने के बाद में ये जो मेरा ऑब्जेक्टिव है
ट्यूटोरियल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आठ पाल सिर्फ पकड़ना है मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये छोटे मोटे आठ पाल पकड़ लूँ। बट गाइस मैं ढूंढ रहा हूँ डियर को, अगर मुझे डियर मिला ना उसके साथ में फाइट करेंगे और उसको पकड़ेंगे, उसको पकड़ के यहाँ पे लेकर आएंगे तो वो थोड़ा बहुत तो टफ फाइट देगा ही देगा इसको। और गाइस अगर आप लोगों को पता होगा कोई ईजी तरीका कि इसको कैसे मारते हैं तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना यार गाइस, क्योंकि यार मुझे बहुत ही ज़्यादा हार्ड लग रहा है उसको मारना। अरे यार शिट, मेरा ग्लाइडर ओपन नहीं। अच्छा तो ठीक है, मेरा ग्लाइडर शायद काम नहीं कर रहा है क्या। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे दो तीन, ओ भाई डियर दिख गया उधर पे। डियर तो नहीं है वो, अलग से ही है वो कुछ, बट यार गाइस वो चलेगा अपने को, उसको पकड़ना है अपने को आज, उसको पकड़ के ही लेके जाना है क्या भाई। और मैं अपना किसको छोड़ूं, इसको छोड़ते हैं भाई, इसको छोड़ते हैं। अबे भाई मगर ये फाइट कैसे करेगा। अबे भाई तीन तीन है, तीन तीन है, अगर एक भी मिल जाएगा तो भी बहुत है, एक भी मिल जाएगा तो भी बहुत है। मेरे पास में अगर एरो होता ना तो मैं उससे फाइट लेता था, और फाइट लेने के बाद में वो मेरा जो पिकाचू है, मेरा जो नाइटविंग्स है वो फाइट करता था उससे। यहाँ पर एक आ गया। अबे तेरी तो भाग गया रे, गलत टाइम पे मेरा स्टैमिना खत्म। अबे भाई फाइट कर ले, क्या कर रहा है। एरो और बो लेके ही चलना पड़ेगा भाई। बट यार मेरी गाइस एरो वायर खत्म हो गई। नहीं मैं देख लेता हूँ एक बार मेरे पास में एरो है या नहीं। अरे एरो तो थी मेरे पास में, ठीक है। ऑलराइट तो अब जो है हम लोग पकड़ेंगे उसको। मेरे पास में फायर एरो भी है, ओके मैंने ध्यान नहीं दिया, बट ठीक है कोई बात नहीं, अब मुझे दिखना चाहिए वो, दिखेगा तो मजा आ जाएगी भाई। इसी साइड तो भाग के आया था, ये रहा। हाँ अब होगी ना फाइट भाई, अब होगी खतरनाक वाली फाइट। मारना नहीं है, जान से नहीं मारना है, जान से नहीं मारना है नाइट विंग्स, जान से नहीं मारना है उसको, बस पकड़ना है उसको। अरे तेरी तो मिस हो गया। अरे शूट भाई सब खतरनाक। मुझे लग रहा है कि ऊपर वाले को मैं पकड़ सकता हूँ। नहीं नहीं अभी भी नहीं पकड़ सकता मैं। मेरा भाई मेरा डैमेज कैसे, मर कैसे गया भाई ये। अभी इतना खतरनाक वाला पॉकीमोन लेकर आया और वो मर गया यार। तू वापिस आ जा, मैं दूसरे को भेजता हूँ किसी को, इसको भेजते हैं भाई। किधर गया वो, ये रहा। देख के देखते भाई पकड़े आ गया तो मजा आ जाएगा। 24% है, 25 हुआ है भाई, पकड़ आ जा, पकड़ जा, कैप्चर हो जा। नहीं हुआ यार, शेट, ओ शेट, मेरी ये वाली एरो खत्म हो गई है, दोनों ही ओल्ड भी खत्म हो गई, दोनों ही खत्म हो गई यार। शेट 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 शेट, कहाँ गया यार वो, मुझे लग रहा है नीचे चले गया। वो रहा, अब आ जाना चाहिए हाथ में, मुझे लग रहा है कि आ जाना चाहिए। 34% हो गया है। अरे शिट फिर आ गया यार ये बाहर, कोई बात नहीं, एक और मैं पाल स्पेयर फेंकूंगा। 34% हो जा 63 हो जा भाई, 99 हो गया भाई, खतरनाक। चलो पकड़ लिए हम लोग उसको, ये देखो ऊपर से मेरा मुंह देख रहा है, आ जा भाई तू भी अंदर। चलो अब चलते, डियर मैंने पकड़ लिया। बट यार गाइज वो डियर मैलपे का मैंने पकड़ लिया, सॉरी मुझे डियर पकड़ना था, बट गुगई बात नहीं गाइज यार, मैं हम लोग डियर भी पकड़ेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जो था ना ये, इसके अंदर हम लोग जाया जाए। मैं पहले अपने आपको फुल ऑन अपग्रेड करके आता हूँ बेस से, उसके बाद में इस गुफा के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि उस गुफा के अंदर क्या है। ऑल राइट गाइस, तो अब मैं दोबारा से बेस के ऊपर फास्ट ट्रैवल करके आ गया हूँ। अब फुल ऑन अपग्रेड करते हैं और उस गुफा में जाके देखते हैं कि उस गुफा में हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन कौन से पाल्स हमें मिलेंगे, और ज़्यादा खतरनाक पाल्स मिलेंगे तो भाई हमारी लगने वाली। पहले मैं जो अभी पकड़ के लेकर आया हूँ पहले उसको मैं सेट कर लेता हूँ। कहाँ है भाई, कहाँ है, अबे आया नहीं क्या वो। अच्छा ये रहा, मैं सोचा कि आया ही नहीं हो, ये रहा भाई। तो इसको इधर पे लेते हैं, इसके साथ अपने साथ में रखेंगे इसको, और बाकी के पाल्स को यहाँ पर ही रखते हैं। ये पाल्स क्या करता है क्रैमिस, ठीक है देख लेंगे भाई इसको क्या करता है ये बाद में। इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये क्रैमिस क्या करता है, नेस्ट अटैक, ओके। तो गाइस यहाँ पे मैं सेकंड वाला ट्यूटोरियल को कंप्लीट करने के लिए आया था, जो कि मुझे 30 पाल्स पकड़ने, 23 मैंने ऑलरेडी पकड़ा हुआ है, और यहाँ पे मुझे दो दो मेलकेवा दिखे। तो भाई इसके साथ में फाइट करते हैं और इसको पकड़ के लेके चलते हैं। ये मैं इसके लिए पकड़ रहा हूँ ना क्योंकि मेरे बेस के अंदर ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। 37% है यार, इतना मारने के बाद में भी इतना वीक कर दिया था मैंने इसको मार मार के, फिर भी 37% आया था। चलो ठीक है, आपकी 45 कैप्चर रेट आया है, 45% हो गया, 70 हो गया भाई, 100% कंप्लीट हो गया। चलो ऑल राइट, तो एक और इधर पे मैं इससे भी पकड़ ही लेता हूँ। अरे मेरा, हाँ ये पाल जो है मेरा 10 का हो गया भाई, इसका 10 का लेवल हो गया है, और थोड़ी देर में ये पाल जो है वो फायर फेंकने वाला है, फ्लेम फेंकने वाला अपने मुँह से, मज़ा आ जाएगा देखने में। और ये जब फ्लेम फेंकने लगेगा ना
तब चलेंगे फाइट करने के लिए उस बड़े वाले पिकाचू से। भाई नहीं नहीं नहीं, मारना नहीं है इसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। अरे मार दिया क्या? नहीं मारा तो नहीं है, बट यार गाइस हाँ मारना नहीं है भाई उसको। मेरे इस फॉक्स की थोड़ी सी हालत खराब हो चुकी है भाई, डेंजर जोन में जा चुका है वो। चलो ठीक है, चलो अब इसको लेते हैं। मैं एक्चुअली फॉक्स को ही पकड़ने आया था। ओ भाई, मैं इसी को तो ढूंढ रहा था काफी देर से, और ये सामने से आ गया। खतरनाक यार, अगर ये मिल जाएगा ना मजा आ जाएगी, सच बता रहा हूं मैं। तू वापिस आ, दूसरा कोई फेंकता हूं मैं, इसको भेजते हैं भाई। इसके साथ में फाइट कर, इसके साथ में फाइट कर। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अपना वाला पाल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भाई। मैं इसको काफी देर से ढूंढ रहा था और ये मुझे अपने आप ही आके मिल गया है। चलो ठीक है, ले 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 भाई, नहीं आया तो भाई। यहाँ पे मुझे दो दो दिख रहे यार, ये आ रहा ही नहीं है। 10% है फिर भी नहीं आ रहा यार, ये मर जाएगा बट आएगा नहीं। चलो 43% है, कैप्चर रेट 43% था फिर भी नहीं आया। 43 कैप्चर रेट 43, बढ़ जा 70 भाई, आ जा यार, क्या कर रहा है, आ रहा नहीं है, मर जाएगा। मगर सच में मैं बोल रहा हूँ ना, ये आएगा नहीं। इसके पहले भी ये ऐसे ही कर रहा था, मैंने बहुत इसको पकड़ने का चांस लिया मैंने इसको, बट यार ये गाइस ये आता नहीं है यार, ये शिट। ओ मुझे लग रहा है कि आ गया, ये दूसरा वाला है, मैंने दूसरे वाले का। ओ भाई मेरा ये वाला पिकाचू गया, शिट। अबे आजा रिटर्न, वो वाला मेरा खत्म ही हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको नहीं, इसको भेजते हैं भाई, इससे फाइट कर। मुझे, मैं दोनों को ही पकड़ लूंगा, मुझे अगर दोनों मिलेंगे तो मैं दोनों को ही पकड़ने वाला हूँ। मेरे पास में बो खत्म हो गया है, शिट। मैं आया था फॉक्स पकड़ने के लिए, मैंने फॉक्स तो पकड़ा ही, साथ में मैंने मेलकैबा भी पकड़ लिया और एक डियर को भी पकड़ लिया। भाई मारना नहीं है इसको। 39% हो गया है, 40 हो जा 100 हो जा, नहीं हुआ, मुझे लगा ही था नहीं होगा। भाई ये बहुत जिद्दी है, ये बहुत जिद्दी पाल है भाई। अरे भाई आ जा यार, जैसे ही नहीं होगा ना वैसे वापिस से फेंकने वाला हूँ इसके ऊपर। मैं फुल ऑन रेडी हूँ, 100 हो ही गया था यार। मेरे पास में पाल भी सिर्फ, पाल स्पेयर भी सिर्फ और सिर्फ 7 बचा हुआ है। अरे आ जा मेरे भाई यार, आ जा। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि ना और ये लोग दोनों के बीच में फाइट होगी तो, अरे यार मर ना जाए यार, बट यार 99 आ गया भाई, खतरनाक भाई, मजा आ गया, सच में मजा आ गया। सिर्फ और सिर्फ 3 पाल मुझे पकड़ना है, बट यार गाइज मेरे पास में ना, मेरे पास में बो नहीं है, बो तो है सॉरी, एरो नहीं है, और एरो होती तो मैं जाके भाई इससे पंगा लिया जाए अब, बट यार मेरे पास में ना एरो नहीं है। मैं पहले आपको फिर से जाता हूँ, दोबारा से अपग्रेड करके लेकर आता हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई कितने बार अपग्रेड करने जाता है खुद को, बट यार गाइस क्या ही करूँ यार, इतने बड़े बड़े पाल है और इतने खतरनाक पाल है कि उनको मारने में मेरी पूरी जो एनर्जी रहती है, जो मेरे पास में वेपन्स रहते हैं, वो सब के सब खत्म हो जाते हैं। और ये देखो मैंने बैल लगा के रखा हुआ है, जैसे ही वहाँ पर अटैक होगा मेरे बेस के ऊपर वो बैल बजने लगेगा। सिर्फ और सिर्फ 3 पाल पकड़ना है मुझे, और 3 पाल पकड़ते ये जो ट्यूटोरियल है, ये मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ये कंप्लीट होएगा। उसके बाद में नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आएगा और वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जाएंगे उस बॉस से फाइट करने के लिए। और गाइज यार अगर मैं आज बॉस से फाइट नहीं कर पाया तो यार मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि मैं उस बॉस से कैसे फाइट कर सकता हूँ। यार गाइज मुझे लग रहा है कि इससे फाइट लेना चाहिए, मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पकड़ लेते हैं भाई, इसको भी पकड़ लेते हैं। मैं पहले तो अपना पाल चेंज करता हूँ, सॉरी मैं किसको भेजूँ, मेरे पास में एक पाल वो निकाला ही नहीं मैंने, उस डियर को निकाला ही नहीं, तो डियर को निकालते हैं यहाँ से पहले। इसको मैं सोच रहा हूँ, हाँ इसको अंदर रखते हैं और ये डियर निकालते हैं भाई, खतरनाक। इसको भी यहाँ रखते हैं और इस वाले को यहाँ लेकर आते हैं। चलो ठीक है, मुझे लग रहा है कि अब मैं फाइट जीत सकता हूँ। एक मेरे पास में ये है, सब ठीक है भाई, ये कुछ काम का नहीं है, इसको 2 ले लेते हैं। चलो ठीक है, अब लेते हैं इससे फाइट, ये जो सामने दिख रहा है इससे फाइट लेते। अबे रेड हो गई, अबे यही टाइम पे रेड होने का था। चलो ठीक है, उन लोग मेरे जो पाल्स है वो देख लेंगे भाई, उन लोग उसको जो रेड कर रहे हैं उन लोगों को देख लेंगे। बट यार मेरे पास में ओ हो भाई खतरनाक यार, खतरनाक, मार के सीधा नीचे ही लेके चले गया मेरा पाल। इतना बड़ा पाल था वो, मगर मेरे पाल ने जो मार रहा है भाई जबरदस्त, मारते रहे बहुत ही जबरदस्त। ओ भाई एक फटका मेरे पाल को लग गया। मैं फाइट नहीं करने वाला हूँ, मैं फाइट जो है वो बैटल एंजॉय करने वाला हूँ, देखने वाला हूँ सिर्फ, क्योंकि मेरे पास में ना ही एरो है, कुछ भी वेपन ही नहीं है मेरे पास में, तो मैं कैसे ही फाइट करूंगा भाई। ये आ जा रिटर्न आ जा। मैं किसको भेजूँ, इसको भेजते हैं भाई। अब होगी ना जबरदस्त फाइट,
अब होगी जबरदस्त फाइट भाई। किधर गया ये? अरे मेरे पास क्यों आ रहा है? मेरे पाल से फाइट कर। मेरी मेरी भाई इसने शील्ड फिर से तोड़ दिया, इसने शील्ड तोड़ दिया मेरी भाई। है यार दम तो है भाई इसमें। डायनोमोस, डायनोमोस नानोस का ओके। अबे भाई इसको भी इसने खत्म कर दिया यार। मुझे थोड़ा सा ना यहाँ पे थोड़ा सा बचने बच के फाइट करना पड़ेगा। अबे भाई ऊपर निकल जा। हाँ इस वाले को मैं भेजता हूँ। मुझे लगा कि इसको तो खत्म ही कर देंगे यार, मेरे मेरे जितने इतने खतरनाक पाल है मेरे पास में, इसको तो खत्म ही कर देंगे। और ये मुझे एक नया पाल दिख रहा है। नहीं ये तो भाई ये रेड किया हुआ है। तेरी तो तेरी माँ का इतनी खतरनाक वाली फाइट चल रही है यहाँ पर, तू आया है मगजमारी करने के लिए। चल चल आ इधर, वापिस आ। अबे उसको भी मार के खत्म कर दिया, उसको भी मार के खत्म कर दिया भाई इसने। बे भाई सब पाल मेरे मारे जा रहे हैं। मैं इसको ना एक काम करता हूँ, अपने बेस पे लेके चलता हूँ। चल आजा मेरे बेस पे, आजा मेरे बेस पे। वो मेरे पीछे करते हुए आना चाहिए मेरे बेस पे भाई। डायनोमोस, डायनोमोस को मैं पकड़ सकता हूँ क्या? अभी मुझे लग रहा है कि मैं पकड़ सकता हूँ। अरे नहीं यार, तो 2% है सिर्फ, 2% रेट पे क्या ही पकड़े जाएगा वो। मैं अपना पाल स्पेयर क्यों खराब करूँ उसके लिए? फाइट तो कर रहा है यार मेरा पिकाचू, मेरा फॉक्स फाइट तो कर रहा है, बट मुझे लग रहा है कि वो कहीं पे गिर गया है भाई। सबको मार दिया बे इसने तो, मेरे जितनी भी पाल थे सभी लोगों को मार दिया भाई। बहुत ही खतरनाक, मजा आएगा इसको, ये सिर्फ मेरे को मिल जाए बस। चल मेरे 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 बेस पे चल, आजा मेरे बेस पे, आजा। हाँ चलो ठीक है, डॉज कर लिया मैंने। आजा मेरे बेस पे आजा, हाँ बेस पे आजा। बेस पे मेरे पास में बहुत सारे पाल्स है, इसको तो हरा ही देंगे भाई। थोड़ा सा स्लो चलता हूँ। हाँ चलो आ रहा है, आजा आजा बेस पे आजा, बेस पे आजा, बेस पे आजा भाई, बेस पे आजा। मैं जल्दी से पाल जाके अपना अनलॉक करता हूँ यहाँ से, वो वरना भाग जाएगा। अरे यार ये सो रही क्यों है? अबे अटैक हो गया, उठो, अटैक हो गया अपने ऊपर, अपने ऊपर अटैक हो चुका है भाई, उठ जा जल्दी। अबे भाई उठ जाओ भाई, तू अंदर आ, तू भी अंदर आ, तू इधर आ, अरे आजा। हाँ चलो ठीक है, फिलहाल के लिए भी ठीक है, तू भी अंदर आ जा, तू यहाँ पर आ जा। हाँ चलो ठीक है भाई, मैंने टीम तो बना लिया भाई, अब देखते हैं फाइट होती या नहीं होती। कहाँ गया वो? अबे कहाँ गया वो? अबे ये साला सीधा आते साथ ही इसको खत्म क्यों कर दिया? अच्छा ये भाई अपने साथ में नहीं था। अबे किधर चले गया वो? अबे क्या चलाक था यार वो, यार शिट, बहुत ही ज्यादा होशियार था यार वो। आया ही नहीं बेस तक का, आया ही नहीं बेस पे, आता तो पक्का मर जाता, उसको पता था, इसके वजह से बेस पे आया ही नहीं। चलो ठीक है जल्दी से सुबह करते हैं, और मुझे लगता है कि सुबह होते ही वो मुझे नीचे मिलेगा। और ये देखो भाई कैसे आराम से सोए यार ये लोग। चलो ठीक है सुबह करते हैं जल्दी से सोकर, और उसके बाद में उससे फाइट करते हैं। बहुत ही खतरनाक है यार वो तो। ऑल राइट, तो सुबह हो गई है, दोबारा से चलते उसको ढूंढते हैं, और ढूंढ के भाई उसको पकड़ के ही मानेंगे आज उसको। और ये जो यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, इसको भी उठा के लेके चलते हैं। देख लेता हूँ पहले, मैं अपने आप को अपग्रेड कर लेता हूँ, अपने आप को नहीं, मैं एक्चुअली मैं पाल्स को अपग्रेड कर लेता हूँ। यहाँ पे इन लोगों को मैंने रिवाइव के लिए डाल तो दिया है, ये लोग रिवाइव हो रहे हैं चारों। और मेरे पास में एक और था ना, ये भी था ना शायद से, नहीं ये नहीं है। किसको लूँ? चलो इसको भी ले ही लेते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा सा अच्छा ही फाइट करता है भाई। पिकाचू का, भाई पिकाचू का अटैक लगता नहीं है, तो चलो ठीक है अब ढूंढते उसको जल्दी से, और फिर से दोबारा से उससे फाइट लेंगे, और इस बार तो पक्का मार ही देंगे भाई उसको। उम्मीद कर रहा हूँ मैं ऐसे कि इस बार मार देंगे, बट यार मुझे लगता नहीं कि मरेगा वो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेंजर पाल है यार वो। मुझे देखना पड़ेगा कि वो गया कहाँ पे पहले तो। ओके तो गाइस, मैंने डायनोमोस को ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया, बट यार गाइस वो मुझे मिला नहीं। तो इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में उसको ढूंढेंगे, और वो जो बड़ा वाला पिकाचू है ना, वो जो टावर में है, सिंडिकेट टावर में, उससे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में फाइट करेंगे। और वो जो बीच में जो बच गया है, वहाँ पे जो टर्नल है, वो जो गुफा है, वो भी जाना बच गया है, मुझे ध्यान में है, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतने। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल के ऊपर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और गाइस अगर आपको पता होगा कि वो जो बड़ा वाला पिकाचू है उसको कैसे मारते हैं, तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Fearless.